भक्त बन जाए, नाचे, सब समय गाना है। बावरे नाम सिमर, नाम सिमर, नाम सिमर, बावरे नाम सिमर, नाम सिमर, नाम सिमर, बावरे नाम सिमर, नाम सिमर, नाम सिमर, बावरे। सभी नाचे, आंखें बंद करके नाचेंगे, बजाएं।
बैठ जाएं, अगले चरण में आंखें बंद करे रहें, आराम से बंद आंखों के साथ बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी। और अब सभी ओम का जाप करेंगे भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा। Oh.
शांत हो जाए, मौन हो जाए, संगीत बजेगा और शांति होगी। उस शांति के क्षण में ऐसी ही एक आवाज ओम की तरह, भौरे के गुंजार की तरह, झींगुर की आवाज की तरह लगातार आ रही है, उसे सुने। गौर से सुनेंगे। सन्नाटे में जो ध्वनि सुनाई दे रही है, एक झिंगुर की तरह, दूर चहचहाते पंछियों की आवाज की तरह, असंख्य घुंघरुओं की तरह, मधुमक्खियों की गूंज की तरह, इस आत्मा के संगीत को संतों ने अनाहत नाद कहा है। राम नाम एक ओंकार सतनाम। वो जो भीतरी संगीत, शून्य का संगीत हम सुन रहे हैं, इसी धन को बचा लेने से, ये राम रतन धन जिसको मीरा ने कहा, इसे बचाने से हम आंतरिक समृद्धि को उपलब्ध हो जाते हैं, परम धन पा लेते हैं, परम पद पा लेते हैं।
दूर आती हुई चिड़ियों की आवाज, कीर्तन की आवाज और ये सन्नाटा और ये भीतर गूंजने वाली सदा। जब मौका मिले जरूर आंख बंद करके, कान बंद करके, शांत होकर जरूर इसमें डूबें। जीवन का कुछ समय जरूर समर्पित करें इसे, तो जीवन में आंतरिक समृद्धि फलित होगी। इसी के साथ सत्र पूरा होता है और मैं इसके पहले कि सत्र समापन हो स्वामी जी को माइक देती हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ, बड़ी लगन पूर्वक आपने इस प्रयोग में भाग लिया। विदा होने के पूर्व संक्षेप में मैं दोहरा दूं आज जिन बातों की हमने चर्चा की है। सबसे पहली बात जंगल के आग वाली कहानी, अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय चाहिए अगर इस मनुष्य जाति को बचाना है। माने तीन बातें कहीं भीतर की समृद्धि की, पहला मार्ग ध्यान का मार्ग, होश का मार्ग, अपने शरीर की क्रियाओं के प्रति होश, मन के विचारों के प्रति होश, हृदय की भावनाओं के प्रति होश और अंततः अपने चैतन्य के प्रति चैतन्य होशपूर्ण हो जाना। दूसरा मार्ग माने बताया भक्ति का मार्ग, भक्ति यानी प्रीति की पराकाष्ठा, प्रीति का शुद्धतम रूप। तो अशुद्ध रूप हमने समझे क्या क्या हैं और कैसे वो शुद्ध हो सकते हैं, तो हमारे जीवन में पराभक्ति घटित होती है, परमात्मा से प्रीति जुड़ती है। ये दोनों मार्ग, ध्यान के मार्ग और भक्ति के मार्ग, जिस मंजिल की तरफ ले जाते हैं उसका नाम है ओम या कह लो राम। भीतर का संगीत जो शांत होने पर अपने भीतर सुनाई देता है। कोई व्यक्ति ध्यान मार्ग से चल के भी वहीं पहुंचता है और कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग से चल के भी वहीं पहुंचता है। और अभी माँ ने जो छोटा सा प्रयोग करवाया ये समन्वय था। सांसों के प्रति जागरूक होकर हमने पहले चरण में होश को साधा, दूसरे चरण में भक्ति भाव में डूबकर राम नाम का यशोगान किया, नाचे गाए उत्सव मनाए, और तीसरे चरण में बैठ के हमने उस अनहद नाथ को, राम जैसी ध्वनि को अपने भीतर सुना। ये अध्यात्म की बात हो गई। और संक्षेप में बाहर की समृद्धि के बारे में जो चर्चा मैंने की उसमें भी होश और प्रेम इन दोनों का ही एप्लीकेशन है। बाहर हम होशपूर्ण हो, विचारपूर्ण हो, संदेहशील बने, तर्क वितर्क के अनुसार जीवन को जिए, अंधविश्वासों से नहीं। बहुत से विश्वास हमें छोड़ने होंगे जो गरीबी के, बीमारी के, यथास्थिति के समर्थक हैं। हजारों साल से हम उन विश्वासों में जीते रहे और आज तक कुछ भी भला ना हो सका। तो मैंने बहुत सी बातें आपसे कहीं, उसमें से कुछ बातों से आपके दिल को चोट भी पहुंची होगी, लेकिन उसके बिना जगाने का कोई उपाय भी नहीं। किसी को नींद में जगाओ, हिलाओ, उसको बुरा तो लगता है लेकिन उठाना तो होगा। कब तक सोए रहेंगे हम, हजारों साल से सो रहे हैं। दूसरी बात मैंने कही प्रेम के बारे में, बाहर की व्यवस्थाएं हमारी जो प्रेमपूर्ण नहीं है, सबसे पहले हमारी शिक्षा प्रेमपूर्ण नहीं है, वो हमें वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष, तुलना, प्रतियोगिता, स्पर्धा, चालाकी सिखाती है। दूसरी चीज हमारे विश्व की व्यवस्था, राष्ट्रों में जो खंडित है वह घृणा पर आधारित है, प्रेम पर आधारित नहीं है। और जब तक ये राष्ट्र व्यवस्था, देश व्यवस्था रहेगी, बाहर कभी भी वसुधैव कुटुंबकम हमें एक प्रेमपूर्ण माहौल, स्वर्ग जैसी स्थिति नहीं बना सकेंगे। ये नरक हमने ही बनाया है अपनी क्षुद्र राजनीतियों की वजह से। धरती को हमने टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। कहते हैं जरूर हम कि धरती हमारी माँ है, मगर अपनी माँ के साथ हमने जो दुर्व्यवहार किया है वह अक्षम्य अपराध है। पूरी मनुष्य जाति एक है, एक विश्व सरकार, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट हो। और तीसरी चीज हमारी जो राजनीतिक
चुनाव की व्यवस्था है वह प्रेमपूर्ण बिल्कुल नहीं है, आप सब इसको भलीभांति जानते हैं। ओशो की प्रस्तावना है गुणतंत्र की जगह गणतंत्र, नहीं गुणतंत्र होना चाहिए, डेमोक्रेसी की जगह मेरिटोक्रेसी आना चाहिए। जैसे किसी जमाने में राजा महाराजाओं का राज्य हुआ करता था और उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये राजा रानी कभी ख़त्म हो जाएंगे, उस समय कोई सोच नहीं सकता था, ऐसा लगता था ये तो सदा सदा इन्हीं का रहेगा, ऐसा ही चलेगा तानाशाही। आज राजा रानी कहाँ बचे सिवाय ताश के पत्तों में और कहीं भी नहीं, एक इंग्लैंड की रानी वो भी ताश के पत्ते के बराबर ही है, नाम मात्र की रानी। आज हमें सोचने में मुश्किल लगती है कि आज जो राजनीतिक व्यवस्था चल रही है इसमें कोई बुनियादी परिवर्तन हो सकता है, जरूर हो सकता है। जब राजा महाराजा नहीं रहे तो ये नेता, जो नेता कम अभिनेता ज़्यादा हैं, इनसे भी छुटकारा हो सकता है। बहुत पाखंड हमने झेल लिया, बहुत अत्याचार सह लिया, अब सीधे गुणवान लोगों को मेरिट के आधार पर, जो हम एक छोटी सी नौकरी देने के पहले इंटरव्यू लेते हैं, पता लगाते हैं कि इसको क्या आता है क्या नहीं आता, तो इतनी बड़ी पोस्ट पर बिठाने के पहले कोई जांच पड़ताल नहीं होगी। जैसे ही गणतंत्र आ जाएगा, एक विश्व सरकार होगी, बाहर की दुनिया भी एक स्वर्ग हो जाएगी, तो भीतर हम अपने शांति के साम्राज्य में ओंकार में डूब के मगन होंगे और बाहर की दुनिया भी बहुत प्रेमपूर्ण वसुधैव कुटुंबकम हो सकती है। संक्षेप में ये बातें आज हुई हैं। आपसे निवेदन करूंगा, यहाँ तो बहुत संक्षेप में चर्चा हो पाई, ओशो का साहित्य पढ़िए, उनके प्रवचन सुनिए और ओशो की समस्त किताबें फ्री ऑफ चार्ज डाउनलोडेबल हैं oshofragrance.org। इस वेबसाइट पर जाकर आप ओशो की 650 किताबें हिंदी की अंग्रेजी की जो भी आप चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। एक दूसरी वेबसाइट है oshoworld.com, आप उस पर जाइए, ओशो के सारे ऑडियो प्रवचन आप या तो सीधा ही सुन सकते हैं लिंक से या डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने मोबाइल में, कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ओशो के 10,000 से अधिक खूबसूरत फोटोग्राफ, सारे ध्यान विधियाँ, ओशो के लिए समर्पित सारे ध्यान संगीत भजन हजारों की गिनती, जिनकी गिनती है, और इसके अलावा जो भी कुछ ओशो से संबंधित है सब ऑनलाइन लिंक पर निशुल्क उपलब्ध है। मेरा नंबर आप व्हाट्सएप का नोट कर लीजिए, आप मुझे मैसेज कर दीजिए आपको क्या चाहिए, मैं आपको घर बैठे भेज दूंगा। हाँ, एक विनती है, डॉक्टर ने मुझे मना किया है कि फ़ोन मत सुना करे, तो मुझे आप मैसेज कीजिएगा, फ़ोन में नहीं उठाऊँगा। तो मेरा नंबर है 7027327372। मैं हिंदी में कहूँगा तो आपको जल्दी याद हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा तुक मिल रही है उसमें, 70273272 70273272। प्लीज़ फ़ोन नहीं कीजिएगा, आपको जो भी चाहिए मैं आपको सब चीज़ व्हाट्सएप पे या ईमेल से भेज दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।